बीजेपी के प्रचंड जीत वाले राज्य उत्तराखंड में भी सरकार बनाने की कवायदों में तेजी देखने को मिल रही है। राज्य की सियासी तस्वीर को साफ करने के लिए बैठकें हुई। उत्तराखंड को लेकर बीजेपी में चल रही इस अहम बैठक में कार्यकारी मुख्यमंत्री धामी भी मौजूद थे। उत्तराखंड में सरकार को लेकर दिल्ली में हुए मंथन में जेपी नड्डा, बीएल संतोष, पुष्कर सिंह धामी के साथ राज्य के कई नेता शामिल रहे। रेखा आर्य ने उत्तराखंड में सीएम पद का दावा ठोका है। उत्तराखंड में नई सरकार का शपथ ग्रहण कब होगा, इसको लेकर फिलहाल कयासों में किसी तारीख का जिक्र नहीं है। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि होली के बाद राज्य में नई सरकार बन सकती है। 19 मार्च को देहरादून में विधानमंडल दल की बैठक में सीएम के नाम का औपचारिक ऐलान होगा। हालांकि पुष्कर सिंह धामी के चुनाव हारने की वजह से नए सीएम के नाम पर सस्पेंस बरकरार। बीजेपी ने उत्तराखंड के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? जिस तरीके से सरकार बनाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी में कवायद तेज है और लगातार मुख्यमंत्री के नाम को लेकर भी मंथन किया जा रहा है। देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना चुनाव हार गए हैं और यही वजह है कि अब बीजेपी को इस बात को लेकर के काफी चिंतन और मंथन करना पड़ रहा है कि अगला मुख्यमंत्री उत्तराखंड का कौन होगा। क्योंकि अधिकांश विधायक ये चाहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर से मौका दिया जाए, क्योंकि पिछले कार्यकाल के दौरान वो उनको काफी कम समय मिला था और जिस तरह से उन्होंने सबको एकजुट करने का प्रयास किया, सबको एकजुट ले करके वो चलते रहे, इस वजह से उनकी विधायकों में लोकप्रियता जरूर बढ़ी है। और ये माना जा रहा है कि संभवतः उनके नाम को लेकर के वरीयता क्रम में उनको पहले क्रम में जरूर रखा गया होगा, जिस तरह से बीजेपी के तमाम नेता इस बात का जिक्र कर रहे हैं। क्योंकि राजनीति में महत्वाकांक्षाएं होती हैं, सभी नेता चाहते हैं कि एक बड़ा पद है, एक बड़ी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी उनको मिले, इसके लिए वो लगातार अपने जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और अपने बारे में बता रहे हैं कि उनको ये जिम्मेदारी दी जाए। और राजनीति में एक बात और भी है कि बहुत से ऐसे नेता होते हैं जो अन्य नेताओं के संपर्क में रहते हैं और उनको अपना आदर्श मान करके वो चलते हैं, और ऐसे में जब समय जरूरत के हिसाब से कोई जिम्मेदारी बांटने की बात आती है तो जाहिर है कि वो उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हैं। तो ऐसे में बीजेपी में भी कई ऐसे नेता हैं जो केंद्रीय नेताओं के संपर्क में हैं और एक दूसरे से काफी अच्छे और मधुर संबंध उनके माने जाते हैं और अब वो उनके लिए पैरवी कर रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि चूंकि मुख्यमंत्री का एक ही पद होता है, तमाम लोग दावेदार हैं, तो उन दावेदारों में किसको ये वरीयता क्रम में रखा जाता है और किसको ये बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। क्योंकि मीनाक्षी लेखी हैं, राजनाथ सिंह हैं, इनको ऑब्जर्वर बनाया गया है, पर्यवेक्षक बनाया गया है, तो ये दोनों लोग 19 तारीख को जो देहरादून में बैठक होगी उस बैठक में आएंगे और बैठक में शामिल होंगे और संभवतः वो मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के ही यहाँ आएंगे और उस समय 19 तारीख को नाम फाइनल होगा और ये माना जा रहा है 20 या 21 तारीख को मुख्यमंत्री शपथ ले लेंगे। तो कुल मिलाकर के एक औपचारिकता पूरी की जा रही है बीजेपी की ओर से, विधानमंडल दल की 19 तारीख को बैठक होगी और अभी ये माना जा रहा है कि पार्टी हाईकमान ने मुख्यमंत्री का नाम तो तय कर लिया है, लेकिन कौन होगा मुख्यमंत्री और किसको ये दायित्व दी जा रही है इसको अभी सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, क्योंकि तमाम लोग अपने अपने स्तर से दावेदारी जता रहे हैं। कई वरिष्ठ नेता हैं जो पुष्कर सिंह धामी से भी काफी सीनियर रहे हैं, उनको पीछे करते हुए पिछले बार जो मुख्यमंत्री का चयन जब किया गया था तो धामी को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो इस समय जो तमाम बड़े दिग्गज हैं वो भी प्रयास में जुटे हुए हैं कि उनको ये जरूर मौका मिले और वो अब उनका प्रयास सार्थक साबित हो और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जाकर के बैठ जाए। क्योंकि इस समय दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है, कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ साथ प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार भी मौजूद रहे और उनकी कई नेताओं से, वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हुई, प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी से बातचीत हुई, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के साथ बातचीत हुई, बैठक हुई और इसके बाद उनकी जो बैठकें रही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की, वो उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की, उनसे भी बातचीत की। तो तमाम नेता अपने अपने स्तर से बातचीत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि उनका प्रयास ये सार्थक साबित हो और उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाए। क्योंकि बीजेपी को कई समीकरण साधने हैं, कई बातों को देखना है, अन्य राज्यों में भी आने वाले समय में चुनाव होने हैं, तो उत्तराखंड से क्या संदेश उन राज्यों में जाए और बीजेपी में कौन सी परिपाटी को जन्म देना है। अगर मुख्यमंत्री को
पुष्कर सिंह धामी को ही जिम्मेदारी दी जाती है, उनको मुख्यमंत्री दोबारा बनाया जाता है, तो एक परिपाटी जरूर यहाँ पर शुरू हो जाएगी कि अगर कोई मुख्यमंत्री रहते चुनाव हार जाता है, मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव हार जाता है, तो भी उसको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि पार्टी उनको ये दायित्व सौंपेगी, जरूर सौंपेगी जब एक बार उनका नाम तय कर लिया गया। अगर इस तरह का वक्तव्य सामने आता है, इस तरह की बातें सामने आती है, तो ये तो तय है कि इस तरह की चीजें रहेंगी। लेकिन तमाम ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि चूंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए हैं, तो उनकी जगह पर किसी नए चेहरे को, किसी नए व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी जाए। पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है, बीजेपी में तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोग अपने अपने स्तर से पैरवी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि उनका उनको ये बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की ओर से दी जाए। तो देहरादून से लेकर के दिल्ली तक लगातार कयास लगाए जा रहे हैं और मंथन का जो दौर है वो जारी है, और पिछले 3 दिनों से दिल्ली में जो बैठकें हो रही हैं उत्तराखंड को लेकर के, उत्तर प्रदेश को लेकर और तमाम अन्य राज्यों को लेकर के बीजेपी के, तो जो रणनीतिकार हैं वो लगातार इस बात को लेकर के मंथन कर रहे हैं कि जो फैसला हो इस बार वो ऐसा फैसला हो कि 5 साल तक मुख्यमंत्री को बदलना न पड़े, ऐसा मुख्यमंत्री रहे जो सभी लोगों को एक साथ लेकर के चले, चाहे विधायकों की बात हो, क्योंकि विधायक भी तमाम बार इस बात को लेकर के जिक्र करते रहे हैं और अपने अपने क्षेत्र में जा करके वो कहते रहे हैं कि उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती है, तो ऐसा मुख्यमंत्री हो जो विधायकों को भी तवज्जो दे, उनकी सुनवाई करे, और उत्तराखंड में प्रशासनिक व्यवस्था में भी कुछ इस तरह की परिपाटी जाए कि विधायकों की जो शिकायतें होती हैं, विधायकों के ओर से जो बातें कही जाती है उस पर भी तेजी के साथ अमल हो, क्योंकि उत्तराखंड में अब तक बार बार यही कहा जाता रहा है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो विधायकों को उतनी तवज्जो नहीं देते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती है, तो इस तरह का ऐसा मुख्यमंत्री रहे जो सारे बातों को तवज्जो देते हुए आगे बढ़े, सबको एक साथ एकजुट करके काम करे, और तमाम जो शिकायतें आती हैं, एकजुटता नहीं होने की बात होती है या उनके क्षेत्र में विकास नहीं होते हैं, तो सारी चीज़ों को एक साथ करके, एकजुट होकर के चले और बीजेपी की जो रणनीति है, नीतियां हैं, उत्तराखंड में तेजी के साथ आगे बढ़ाए, क्योंकि उत्तराखंड में भारी भरकम बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी है, जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं, पिछली बार भी 57 सीटें बीजेपी को मिली थी, इस बार 47 सीटें मिली हैं, तो जो तमाम कमियां रही हैं उन कमियों को दुरुस्त करते हुए एक बार फिर से जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास बीजेपी की ओर से करना होगा और ऐसे मुख्यमंत्री का चयन करना होगा जो सभी लोगों को एक साथ लेकर के चले, और इसी बात को लेकर के बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है, रणनीतिकार हैं, वो लगातार चिंतन और मंथन करने में जुटे हुए हैं। जी जी अजय, चलिए बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।